नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेल्थ प्लस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया में कितने टाइप के मिल्क मिलते हैं, इन दूध की क्या खासियत है, बच्चों को कौन सा दूध पीना चाहिए, बड़ों को कौन सा दूध पीना चाहिए, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। दूध को कंप्लीट फूड माना जाता है। दूध में प्रोटीन और एमिनो एसिड होते हैं। दूध में बस आयरन और विटामिन सी ही कम पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर ले और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। दूध में शरीर की वृद्धि और विकास के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह नवजातों का एकमात्र भोजन है। दूध को लगभग पूर्ण आहार माना जाता है, जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे वसा यानी फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, खनिज तत्व और विटामिन आदि मौजूद होते हैं। शिशु के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम आहार माना जाता है, परंतु आवश्यकता होने पर उसे गाय, बकरी या भैंस का दूध भी पिलाया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया में कितने टाइप के मिल्क मिलते हैं और इनकी क्या खासियत है। टोंड मिल्क, अगर इसे आसान भाषा में समझे, टोंड मिल्क दरअसल भैंस के दूध को पतला कर दिया जाता है। यह पानी और स्किम मिल्क का मिश्रण होता है, जिसमें 3% फैट मौजूद होता है। इस दूध की पोषण वैल्यू गाय के दूध के समान होती है, जो बच्चे में उत्पन्न कुपोषण और गर्भवती महिलाओं के लिए उत्तम है। डबल टोंड मिल्क, यह मिल्क होल मिल्क और स्किम मिल्क पाउडर को मिलाकर तैयार किया जाता है। इसमें लगभग 1.5% फैट होता है। डबल टोंड मिल्क को वजन को कम करने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि यह कैलोरी सेवन को नियंत्रण में रखता है और वजन घटाने में भी मदद करता है। स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क, स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क का अर्थ होता है गाय का दूध, भैंस का दूध, भेड़ का या फिर बकरी का, पर उसमें फैट की मात्रा 4.5% से लेके 8.5% तक होती है। स्टैंडर्डाइज्ड दूध को पाश्चीकृत दूध भी कहा जाता है। फ्लेवर्ड मिल्क, दूध के मुकाबले फ्लेवर्ड मिल्क में कम पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए यह दूध आपके लिए उतना लाभदायक नहीं होता। दूध को आहार के रूप में शामिल करना लाभकारी होता है। दूध में कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जैसे विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम। ये पोषक तत्व कई स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करते हैं, लेकिन हर किसी को दूध का सेवन अच्छा नहीं लगता, इस वजह से वो फ्लेवर्ड मिल्क का सेवन करते हैं, खासतौर पर बच्चे। फ्लेवर्ड मिल्क कई तरह के होते हैं, जैसे चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, वनीला आदि। ये दूध स्वाद से भरपूर होते हैं, लेकिन आपके स्वास्थ्य को उतना लाभ नहीं देते। फुल क्रीम मिल्क, फुल क्रीम दूध को होल मिल्क भी कहा जाता है। इसमें से क्रीम को बाहर नहीं निकाला जाता। ये बच्चे, युवाओं और बॉडी बिल्डर्स को दिया जाता है। इस दूध में लगभग 6% फैट होता है। फुल क्रीम मिल्क का एक गिलास दूध आपको 150 कैलोरी देता है। फुल क्रीम मिल्क स्वाद से भरपूर होता है। स्किम्ड मिल्क, फुल क्रीम मिल्क की तुलना में मलाई रहित दूध पीना स्वास्थ्य के लिए अधिक फायदेमंद माना जाता है। यूएस के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के शोध की माने तो स्किम्ड मिल्क पीने से कार्डियो सर्कुलर बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। मलाई रहित दूध में फैट की मात्रा कम होती है, यानी यह कोलेस्ट्रॉल को कम करने का अच्छा आहार है। मलाई रहित दूध में फैट नहीं होता, बाकी सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। दोस्तों स्किम मिल्क पर एक वीडियो हमने अलग से बनाई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है और ऊपर आई बटन में भी इसका लिंक नजर आ रहा होगा। अल्ट्रा हीट ट्रीटेड मिल्क, इस दूध को UHT यानी अल्ट्रा हीट ट्रीटेड मिल्क के नाम से बेचा जाता है। इसके पाश्चराइजेशन में काफी वक्त लगता है। पाश्चराइजेशन के नाम से इसे ईजाद करने वाले वैज्ञानिक लुई पाश्चर के नाम पर पड़ा था। इसमें दूध को करीब 15 सेकंड तक 72 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, फिर इसे ठंडा किया जाता है। इससे दूध के सभी बैक्टीरिया तो नहीं मरते, खासतौर से वो बैक्टीरिया जो इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो नहीं मरते। इस दूध को कुछ दिन तक फ्रिज में रखकर इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इस्तेमाल होने वाला ज्यादातर दूध यही होता है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं आपके लिए कौन सा दूध बेहतर होगा। जानिए बच्चों के लिए कौन सा दूध बेहतर होता है, गाय का या भैंस का। चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, दूध पीना सभी के लिए फायदेमंद होता है।
दूध में भारी मात्रा में प्रोटीन और कई अन्य पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। हम लोग बचपन से ही सुनते आए हैं कि दूध सेहत के लिए अच्छा होता है। दूध ही नहीं, इससे बने आहार भी जैसे दही, छाछ, घी, मक्खन और पनीर के भी अपने फायदे हैं। लेकिन हमेशा एक दिक्कत रहती है कि इनका उपयोग कब और कितना और किस समय किया जाए। दूध को लेकर समय समय पर कई तरह की अफवाहें उड़ती रहती है। आज हम आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा दूध फायदेमंद है। गाय या भैंस का दूध। गाय और भैंस के दूध में पहला सबसे बड़ा अंतर होता है फैट का। भैंस के दूध में गाय के दूध के मुकाबले 100% से ज्यादा अधिक फैट होता है, इसलिए गाय का दूध हल्का होता है और भैंस का दूध भारी। जिन खाद्य पदार्थों में ज्यादा फैट होता है उनको पचाना भी मुश्किल होता है, इसीलिए नवजात बच्चों और बुजुर्गों को भैंस के दूध की तुलना में गाय का दूध पीने की सलाह दी जाती है। भैंस के दूध में फैट और प्रोटीन ज्यादा होता है। गाय के 100 ml दूध में करीब 65 से 70 कैलोरी होती है जो कि माँ के दूध के लगभग बराबर है। गाय के दूध में फैट भी कम होता है। भैंस के 100 ml दूध में 117 कैलोरी होती है, इसीलिए वो लोग जिन्हें कम कैलोरी लेने की सलाह दी गई है गाय के दूध का सेवन करना चाहिए। इम्पोर्टेंट मिनरल्स के मामले में भैंस का दूध गाय के दूध को पीछे छोड़ देता है। भैंस के दूध में गाय के दूध से 91% अधिक कैल्शियम, 37.7% अधिक आयरन और 118% अधिक फास्फोरस होता है। भैंस के दूध में मैग्नीशियम और पोटेशियम भी गाय के दूध से अधिक पाया जाता है। भैंस का दूध मजबूत हड्डियों, स्वस्थ दांतों और वजन बढ़ाने के लिए अच्छा माना जाता है। मोटापे से ग्रस्त लोगों को भैंस के दूध और कोलेस्ट्रॉल की समस्या से जूझ रहे लोगों को गाय के दूध से परहेज करना चाहिए। टोंड या डबल टोंड दूध। कोलेस्ट्रॉल और फैट से बचने के लिए टोंड या डबल टोंड मिल्क का सेवन करना चाहिए। बच्चों को फुल क्रीम मिल्क ही देना चाहिए। 6 महीने तक के बच्चों के लिए माँ का दूध ही बेहतर होता है। 1 साल से बड़े बच्चों को पैकेट वाला फुल क्रीम दूध देना चाहिए। टेट्रा पैक दूध। टेट्रा पैक मिल्क की क्वालिटी बाकी दूध से बेहतर नहीं होती, बस पैकिंग का फर्क होता है। यह सच है कि पैकिंग दूध लंबे वक्त तक खराब नहीं होता, लेकिन ये गलत है कि टेट्रा पैक दूध दूसरे दूध से बेहतर है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक आमतौर पर एक वयस्क रोजाना 1000 से 1200 mg तक कैल्शियम लेता है। एक गिलास दूध में लगभग 285 mg कैल्शियम होता है। शरीर इस कैल्शियम का इस्तेमाल हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए करता है। सही मात्रा में दूध पीने से उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों को होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। दूध में मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है। किस उम्र में कितना दूध। 1 से 2 साल के बच्चों को बेहतर ब्रेन के विकास के लिए ज्यादा फैट वाली डाइट की आवश्यकता होती है, इसलिए इनको फुल क्रीम वाला दूध देना चाहिए। 1 से 2 साल के बच्चों के लिए 2 कप दूध तकरीबन 500 ml जरूरी होता है। 2 से 3 साल के बच्चों को रोजाना 2 कप दूध या दूध से बनी चीजें देनी चाहिए। 4 साल से 8 साल के उम्र के बच्चों को 2.5 कप दूध या दूध से बनी चीजें जैसे पनीर, दही आदि रोजाना देना जरूरी है। 9 साल से ज्यादा बच्चों को रोजाना करीब 3 कप दूध या दूध से बने उत्पाद जैसे दही, पनीर आदि देना चाहिए। शारीरिक रूप से एक्टिव टीनेजर्स को रोजाना करीब 3000 कैलोरी की जरूरत होती है। इन्हें 4 कप तक दूध और दूध से बनी चीजें दे सकते हैं। हड्डियों के लिए दूध। हड्डियों की मजबूती के लिए दूध बेहद जरूरी है, इसलिए बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी दूध पीना चाहिए। वयस्कों को फुल क्रीम दूध की बजाय टोंड या स्किम्ड मिल्क पीना चाहिए। 1 गिलास फुल क्रीम दूध में 146 कैलोरी होती है, 8 ग्राम फैट। इतने ही टोंड दूध में 102 कैलोरी और 2 ग्राम सैचुरेटेड फैट होता है। स्किम्ड मिल्क में 83 कैलोरी होती है, इसमें फैट नहीं होता। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपके कुछ सुझाव भी है तो वो भी हमें बता सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर ले। धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना।